नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर पर डॉक्टर मनोज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एक नकली और एक असली हैंड सैनिटाइजर में फर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जब से कोविड का संक्रमण हुआ है तब से जो हैंड सैनिटाइजर की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है और इसी का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं और मार्केट में वो बहुत ज़्यादा दाम पर नकली हैंड सैनिटाइजर बेच रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं पांच ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताऊंगा, पांच ऐसे महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा आप विद इन सेकंड यानी कुछ सेकंडों में ही एक असली और एक नकली हैंड सैनिटाइजर के बारे में पता लगा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देख लिया तो आप विश्वास मानिए आप चंद मिनटों में ही चंद सेकंडों में ही आप ये बता सकते हैं कि कौन सा हैंड सैनिटाइजर असली है और कौन सा हैंड सैनिटाइजर नकली है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा दें जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो ही मिलती है। पहला तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा हैंड सैनिटाइजर असली है और कौन सा नकली, तो इसके लिए आपको ब्रांड नेम पे जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जब कभी किसी भी जगह पे किसी भी मेडिकल स्टोर से कहीं से भी आप हैंड सैनिटाइजर खरीदें तो सबसे पहला आपका काम होता है उसका ब्रांड नेम देखना, उसकी कंपनी का नाम देखना। हम में से ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि मेडिकल स्टोर में गए और बोल देते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का हैंड सैनिटाइजर देना है और मेडिकल स्टोर वाले ने हमें जो दे दिया हम वही लेके चले आते हैं, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं देखते। तो ये गलती नहीं करना है आपको। मेडिकल स्टोर वाले अक्सर ऐसा बोलते हैं कि हम आपको अच्छी क्वालिटी का उसे कम दामों में दे देते हैं, तो आप देखिए कम दाम के चक्कर में एक ब्रांड को नहीं छोड़ना है आपको, हमेशा एक ब्रांडेड चीज़ को ही खरीदना है, क्योंकि आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप नकली हैंड सैनिटाइजर लेके आएंगे और वो प्रभावी नहीं होगा। जो आपका मोटो है, जो आपका उद्देश्य है हैंड सैनिटाइजर लगाने का, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि नकली हैंड सैनिटाइजर पानी से ज़्यादा कुछ नहीं होते। आपने उसको हाथ में लगा लिया, आप बिल्कुल फ्री हो गए कि अब तो हमारा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है, हमारे हाथ से जर्म्स खत्म हो गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए कभी भी ब्रांड को छोड़ करके नहीं जाएं। मैं तो आपको यहाँ तक एडवाइस करूँगा कि आप घर पर ही हैंड सैनिटाइजर बनाइए, बहुत ही आसान तरीका होता है, उसके जो कंटेंट होते हैं बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं किसी भी केमिस्ट की दुकान पे। इस बारे में मेरा एक वीडियो है, यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत ही सरल तरीके से ये बताया कि किस प्रकार से आप घर पर ही एक प्रभावी हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देखिए और कोशिश करिए घर में ही बनाने की। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है, जो दूसरा तरीका होता हम कह सकते हैं, वो है लेबल देखना। जी हाँ दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों की आदत होती है कि मेडिकल स्टोर वाले से लेके आए, पैसे दे दिए और फुर्सत हो गए, हम उसका लेबल तक नहीं देखते कि उस लेबल में क्या लिखा हुआ है, जो हम चाहते हैं वो है भी कि नहीं उसमें। तो यदि आपकी आदत है तो उसको चेंज करिए, आप लेबल ज़रूर देखिए। लेबल में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ उसमें लिखा रहता है कि ये जो हैंड सैनिटाइजर है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसकी एक्सपायरी डेट कब होती है, प्राइस वगैरह सब चीज़ डिटेल में लिखा रहता है। तो हमें ध्यान देना है, यदि लेबल में मेथेनॉल लिखा है या मिथाइल अल्कोहल कंटेंट का कोई भी अल्कोहल है तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। वो कह सकते हैं कि नकली हैंड सैनिटाइजर के साथ साथ मेथेनॉल जो होता है बहुत हार्मफुल होता है, बहुत नुकसान करता है और उससे हमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, इसलिए मेथेनॉल कंटेंट का कोई भी हैंड सैनिटाइजर आपको नहीं लेना है। तीसरा तरीका होता है, वो है एथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का होना। हमेशा आप लेबल को देखिए और यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जो हैंड सैनिटाइजर ले रहे हैं उसमें मिथाइल अल्कोहल, ध्यान रखिए मैं जो बोला हूँ मिथाइल अल्कोहल नहीं एथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही जर्म्स को मारने में, वायरस को मारने में, बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होता है। साथ में आपको क्या देखना है, इसका कितने प्रतिशत इसमें मिला हुआ है, मतलब ऐसा हैंड सैनिटाइजर आपको लेना है
जिसमें इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा लगभग 70 तक होनी चाहिए। 70 से थोड़ा सा कम होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन 70% हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। यदि आपने कोई ऐसा हैंड सैनिटाइजर मार्केट से लेके आए हैं जिसमें इथाइल अल्कोहल तो है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो है, लेकिन उसकी प्रतिशत मात्रा 10%, 5%, 20% है, तो वो ध्यान रखिए इफेक्टिव नहीं होगा जो आपको चाहिए। दोस्तों मैं आपको अब दो जबरदस्त तरीके बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप सेकंडों में ही एक असली हैंड सैनिटाइजर और एक नकली हैंड सैनिटाइजर के बारे में पता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, इन तरीकों को आप जरूर आजमाइए। देखिए यदि आपने आपके पास सपोज दो हैंड सैनिटाइजर हैं और आप दोनों को हाथ में रखिए और उसको रब करिए, मतलब ऐसे ऐसे मिलाइए उसको, तो जो असली हैंड सैनिटाइजर होगा वो विद इन सेकेंड, मतलब 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर ही पूरी तरह से सूख जाएगा आपका हाथ, बिल्कुल सूख जाएगा, वो वेपोराइज हो जाएगा। यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि असली हैंड सैनिटाइजर उड़ जाता है, वो वेपोराइज हो जाता है, जबकि नकली हैंड सैनिटाइजर सूखने में टाइम लेता है, वो इतनी जल्दी सूखता नहीं। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं पॉइंट है असली और नकली हैंड सैनिटाइजर को पहचानने के लिए। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे पास दो हैंड सैनिटाइजर हैं, मैं एक बार असली हैंड सैनिटाइजर को अपने हाथ में लगा करके दिखाऊंगा और एक बार नकली हैंड सैनिटाइजर को हाथ में लगा के दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये मैंने एक असली हैंड सैनिटाइजर लिया है और इसको मैंने हाथ में लगाना चालू किया, रगड़ना चालू किया, और ये देखिए अभी मुश्किल से 3 से 4 सेकंड हुए होंगे और ये पूरी तरह से सूख गया। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने हैंड सैनिटाइजर लगाया है कि नहीं लगाया है। ये होती है असली हैंड सैनिटाइजर की पहचान। और अब मैं आपको एक नकली हैंड सैनिटाइजर लगा के दिखाता हूँ, वो इतनी जल्दी नहीं सूखेगा। ये मेरे हाथ में एक नकली हैंड सैनिटाइजर है और देखिए मैं इसको लगाना स्टार्ट किया मैंने, और ये देखिए अभी भी ये हाथ में बिल्कुल पूरी तरह से आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, अभी भी ये हाथ में है, ये सूखा नहीं है। देखिए अभी भी मैं इसको रगड़ रहा हूँ, ये अभी तक सूखा नहीं है। ये देखिए अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा ये पूरी तरह से सूखा नहीं है, ये इतना टाइम ले रहा है। अभी भी मैं इसको रगड़ रहा हूँ लेकिन अभी भी मेरे हाथों में हैंड सैनिटाइजर है, ये पूरी तरह से सूखा नहीं है। तो इस प्रकार से आप हाथों में रब करके एक असली और नकली हैंड सैनिटाइजर के को पता कर सकते हैं कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। एक दूसरा जबरदस्त तरीका मैं आपको और बताता हूँ, और वो है जब आप असली हैंड सैनिटाइजर को हाथ में लगा करके और उसको रगड़ते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। जी दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है असली हैंड सैनिटाइजर का, जब आप उसको हाथ में लगा करके रगड़ेंगे धीरे धीरे तो आपको ठंडक महसूस होगी, आपके हाथों में ठंडापन का एहसास होगा। जबकि आप जब नकली हैंड सैनिटाइजर को लगाएंगे तो ये ठंडापन आपको एहसास नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत ही कम होगा। तो ये दो जबरदस्त तरीके होते हैं, जब कभी भी आप मार्केट से खरीदें हैंड सैनिटाइजर तो इनका प्रयोग करके आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे वीडियोस को देख लिया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, आपके लिए अच्छा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, तो यार प्लीज़ अब कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अब मैं अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आ गया हूँ, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं लास्ट सेगमेंट में हमेशा आपके द्वारा ही पूछे गए सवाल को लेता हूँ। आज मैंने दो सवाल लिए हैं। पहला सवाल है सत्यम झा जी का, सवाल इनका है कि इनके दांतों में अगल बगल काले काले कीट जैसे कुछ जम गई है, तो ये क्या 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 समस्या है, क्यों बार बार जम जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम अपने ओरल कैविटी की, अपने दांतों की सही ढंग से साफ सफाई नहीं करते हैं तो ये समस्या होती है, इसे हम मेडिकल की भाषा में स्टेनिंग कहते हैं। सामान्य रूप से ये हल्के भूरे रंग की, हल्के पीलेपन लिए हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी जब ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी स्टेनिंग को हम साफ नहीं करवा पाते हैं, दांतों की सफाई नहीं करवाते हैं, तो धीरे धीरे यही डार्क ब्लैक कलर की भी हो जाती है, खासकर उन लोगों में जो तंबाकू, सुपारी, पान, गुटखा इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, उनमें ये डार्क ब्लैक कलर की हो जाती है। तो ये दांतों की स्टेनिंग की समस्या है। मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप डेंटल सर्जन से मिलें और अपने दांतों की और मसूड़ों की संपूर्ण सफाई करवाइए,
और उसके बाद दो बार सुबह शाम अनिवार्य रूप से ब्रश करिए। यदि आपको दांतों की सफाई करवाने के बारे में कोई डाउट है, कुछ समस्या है, क्योंकि कई लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि दांतों की सफाई करवाने से मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं, दांत हिलना चालू कर जाते हैं, दांत छिल जाते हैं, दांतों में ठंडा गर्म की शिकायत हो जाती है, दांतों में गैप बन जाती है, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के मन में। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके बारे में भी मेरा कंप्लीट वीडियो है। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको देखिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने सारे डाउट्स जो आप लोगों के होते हैं वो क्लियर किया हुआ है। इस सारे डाउट को मैंने कैसे लिया है, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनके सारे डाउट्स को मैं नोट करता गया अलग अलग, और फिर उसी को मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है। और उसके बाद आपको सही ढंग से ब्रश करना चाहिए। यदि आप सही ढंग से ब्रश करना नहीं जानते, आपको तरीके नहीं पता है, तो इसके बारे में भी मेरे 3 वीडियोस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन वीडियोस को भी देखें और सही ढंग से ब्रश करिए, आपको समस्या नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल है तृप्ति शर्मा जी का, बहुत ही अच्छा सवाल है, इस समय का सबसे अच्छा लॉजिकल सवाल इन्होंने, जो कह सकते हैं कि इस समय जो समय को सूट करता हुआ सवाल इन्होंने पूछा है। सवाल ये है इनका कि इस समय COVID-19 का संक्रमण है, सही बात है, लॉकडाउन लगा हुआ है, सही बात है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर से बचने की कोशिश करते हैं। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस समय दांतों की समस्या हो तो क्या करें, घर में हम किस प्रकार से अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं, इस बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए, डेंटल सर्जन जो होते हैं वो कोविड के या किसी भी संक्रमण में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर में होते हैं, क्योंकि जब तक वो पेशेंट को टच नहीं करेंगे, उसके ओरल कैविटी के पास नहीं आएंगे, तब तक वो सही ढंग से डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, इलाज का तरीका नहीं बता पाएंगे और आपको इलाज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बात तो सही है कि कोविड का सबसे ज़्यादा संक्रमण होता है वो डेंटिस्ट को ही है इस समय वर्तमान में। तो इस समय हमें क्या तरीके अपनाना चाहिए, इस बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। इसके बारे में मेरा 1 या 2 दिन में एक वीडियो आ जाएगा, जिसमें मैंने आपको कम से कम 5 से 6 ऐसे बीमारियों के बारे में बताया है जो सामान्य रूप से सब व्यक्तियों को होती ही होती हैं, और यही ज़्यादातर डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार से घर में ही ठीक कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास गए हुए, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यदि आपने होम रेमेडीज या जो मैंने तरीके बताए हैं उनको कर लिया है और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर आप मेडिकल इमरजेंसी के रूप में आप डॉक्टर के पास जाइए, अपनी सावधानी को रखते हुए और इलाज करवाइए। अब इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसके माध्यम से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश की है। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आपका भी कोई सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल करने की, और साथ में मैं उसका पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ। तो कोई भी डाउट है फटाफट कमेंट करिए, बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें, जय हिंद जय भारत।